सो गाइज फाइनली आप लोगों की डिमांड पर मैं न्यू ट्रेंड लेके आ चुका हूँ गाइज अंबेडकर जयंती पर। अगर गाइज आप भी इस तरह के AI फोटो जनरेट करना चाहते हो अपने नाम के साथ तो गाइज आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो गाइज मैं ले चलता हूँ आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए गाइज मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है। और जैसे गाइज गूगल ओपन करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो गाइज आपको यहाँ पे सर्च करना है बीइंग AI इमेज क्रिएटर। तो गाइज मैं सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद जो हमारी पहली वेबसाइट आएगी बीइंग वाली इमेज क्रिएटर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर जहाँ लिखा हुआ है, आपको इस पर जो है क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। और हाँ गाइज इस साइट पे अगर आप पहली बार आए हो तो यहाँ पर आपसे लॉगिन या साइनअप के लिए बोला जाएगा। तो गाइज आपको कर लेना है लॉगिन या साइनअप। करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट को पेस्ट कर रहा हूँ, वो टेक्स्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से गाइज क्रिएट कर लेना। और गाइज अम्बेडकर जयंती पर है ये। तो गाइज मैंने टेक्स्ट को प्रॉपर एडिट कर लिया है। और गाइज बहुत बंदों का कमेंट आता है कि डिस्क्रिप्शन से जो टेक्स्ट है वो कॉपी नहीं हो रहा है। तो गाइज मैं बता दूं कि यूट्यूब का जो अपडेट है 2024 का, इसमें डिस्क्रिप्शन से टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो जाता है। तो गाइज आप कर लेना। तो गाइज मैंने टेक्स्ट को प्रॉपर एडिट कर लिया है, अब मैं क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद हमें गाइज 2-3 सेकेंड का वेट करना है। वेट करने के बाद गाइज रिजल्ट हमारे सामने होगा। तो गाइज वेट कर लेते हैं। देखिए गाइज इसने अम्बेडकर जयंती की फ़ोटो अनुज नाम के साथ दे दी है, भीमराव अंबेडकर के साथ। तो गाइज मैं इन्हें ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए गाइज यहाँ पे लिखा है अंबेडकर जयंती और उस बंदे का नाम भी लिखा है और अंबेडकर के हाथ में भी पकड़े हुए हैं। तो गाइज आप भी इस तरह के AI फोटो जनरेट कर सकते हो जस्ट 1 क्लिक में। तो गाइज अगर यहाँ पे आपके आप में नाम सही नहीं आ रहा है तो गाइज आपको क्या करना है, आपको अगेन दोबारा आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना। जैसे गाइज आप दोबारा क्रिएट पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस इसका हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये दूसरी इमेजेस आपको क्रिएट करके दे देगा और गाइज स्पेलिंग जो मिस्टेक होगी वो सही हो जाएगी। तो गाइज हम वेट कर लेते हैं। फिर जैसे गाइज इसने दोबारा इमेजेस इस तरह के क्रिएट करके दे दी हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइज। देखिए गाइज इसने इस तरीके की इमेजेस क्रिएट करके दे दी हैं। तो गाइज इस तरह आप भी कर सकते हो। और अगर गाइज आपको कोई इशू आए तो गाइज आप मेरे को कमेंट करो, मैं उसका सोल्यूशन लेके आऊँगा। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, गाइज आप ही का सहारा है। और गाइज मेरे को सपोर्ट करो आप लोग।